गांव में बड़ा सन्नाटा है, कोई मर उड़ तो नहीं गया है? अरे कहीं वो बुधुआ का बाप तो नहीं मर गया? अरे हाँ भाई, उसी का मरने का टाइम था। एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, इतना आदमी से तो हम लड़ पाएंगे नहीं, लेकिन जो पहला लाठी मारा हमको, सरवा यह डंडा से मार के उसका मुंह धर के कूच देंगे हम। मालूम है ना बड़का पगला है हम? अरे हम नहीं जाएंगे, पिछले बारी सरवा पागल हमरा कपारे फोड़ दिया था। अरे रमाधीर भाई, हाँ? अरे तू ही जा। हाँ हाँ हम जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे अगला महीना हमारा ब्याह है। ए बुधुआ, ए बुधुआ, तू जा, तू जा। कहे हमार घरवाली पेट से ई ससुरा हमको मार दिया तो हमार घरवाली का होगा? हम है ना भाभी के लिए लक्ष्मण, प्रभु बद्ध कीजिए इस पगलवा का। अरे चुप रहो तुम लोग, आपस में लड़ते रहोगे क्या तुम लोग? और ये क्या बोला है का? कि जे पहला लाठी मारी ओकरा पकड़ के मुड़ी कूच दई। हाँ। हाँ। अरे सब एक साथ मिलके मारोगे, जब जिंदा बचेगा तब तो कूचेगा ना। मालूम है ना मेरा भाई वकील है, अगर हमको कुछ हो गया तो सबको फांसी में चढ़वा देंगे हम। हाँ, ये तुहार रोज रोज के भौकाल काम ना करी, आज तो तुहार काम तमाम है। ए चले मुन्ना भाग, मुन्ना भाग। आखिर क्या किया है इस लड़के ने कि पूरा गांव इसे जान से मारने पर आमादा है? रुकिए। क्या रुकिए? आप इस घर में नहीं आ सकते, जो भी गंदगी करनी घर के बाहर जाके कीजिए। चलो साधु, तुम्हारी सजा खत्म हुई। खत्म? पुलिस को फोन कर दिया था? हाँ सर, कर दिया था, पुलिस आती ही होगी। पुलिस? हे रमाकांत, पुलिस पुलिस क्या करेगी यार, फिर तुम हमारे दोस्त हो यार। अरे तुम ऐसा सर्टिफिकेट बना दो, ये मौत दुर्घटना लगे बस। तुम्हारे इस अपराध में हम भागीदार नहीं बनेंगे। जरूरत से ज्यादा ईमानदारी बहुत घातक होती है रमाकांत। जी लो अभी जितना तुमको जीना है, जब तक हम जेल के अंदर हैं छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, बर्बाद करके रखूंगा रमाकांत, बर्बाद करके रखूंगा दोस्ती के नाम पे कलंक साला। Very cute. कैसे हो भुवाल? बजाओ! तमाशा ना करो, बहुत दोखी आदमी हो तुम, चमचा गिरी की हद हो गई। सुनो शकुनी। जी 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 जू। भुवाल सिंह, साला बैंड बाजा उस दिन बजेगा जिस दिन ही डॉक्टरवा को हम बर्बाद करेंगे। डॉक्टर, कुछ खबर अबर है डॉक्टर परिवार की? मुफ्त में सरकार की दवाई लेके गांव वालों को बांटता रहता है, और साला दवाई सरकार का और नाम डॉक्टरवा का। आज तो आपने छोटे बेटे का जन्मदिन मना रहा है, लड्डू बांट रहा है लड्डू। हाँ, खुश हो, लो आ जाओ। ये प्रणाम। वेरी क्यूट। अरे भाई, इतने बड़े खुशी के मौका पे आप अपने परम मित्र को ही भूल गए? अरे आपकी खुशी सुन के हमको इतनी ज्यादा खुशी हुई कि सरकार ने हमको और पहले ही जेल से रिहा कर दिया। अरे वाह। और डॉक्टर साहब, हम सीधे आपके पास आपको बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपके बताए हुए रास्ते पे ही हम चलेंगे। तुम जैसे लोग वैसे सुधरते तो नहीं है, लेकिन अगर तुम सुधर गए हो तो ये
ये बहुत अच्छी बात है, तुमको बहुत बहुत बधाई साधु। वेरी गुड, ये रखिए। ये क्या? ये बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और वो बच्चे का मुंह नहीं दिखाएंगे? हमारा बस चले तो तुम्हारे परछाएं भी अपने बच्चे पर ना पड़ने दूं साधु। वेरी क्यूट। पापा पापा मैं खेलने जाऊं? जा जा खेल। डॉक्टर साहब परछाई तो पड़ गई। हाँ। अब चलते हैं। हाँ। चलो रे। याद है ना माँ ने क्या कहा था? हाँ? हाथ मत छोड़ना, हाथ पकड़ चल। हाँ हाथ पकड़ लिया ना, एक हाथ से हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से खेल रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। अरे छोड़ना। नहीं रुक। अरे छोड़ तो, खेलने तो दे। नहीं। अरे खेलने तो दे, मेरी बॉल गई। भाग यहाँ से। प्रेम आना। अमर भैया, भैया भैया इसका, सर जैसे ही होश में आए। जी सर। फौरन मुझे बुलाओ। अच्छा अच्छा टेस्टी है। अच्छा है ना? तेरी पसंद की भाजी तुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए बनाया मैंने। ये ले थोड़ा सा और खा ले। अरे आ, अरे आ, आ, ये क्या कर रहा? छोड़ मेरा। माँ की उंगली। अरे छोड़ मेरी उंगली, छोड़ ना। क्या कर रहा है? उफ दर्द हो रहा है बेटा, छोड़। अरे जोर से काट रहा है। अरे छोड़ ना। क्या आया रिपोर्ट में? नहीं वैसे ठीक है, बस दिमाग में ब्लड ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा है जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की ताकत पहले जैसी नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं का क्या मतलब? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, सारी दुनिया के लोगों का इलाज करते हैं, जब अपने बच्चे पर आए तो कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई तो इलाज होगा। इलाज भी है और उपाय भी है। हमने लंदन में अपने डॉक्टर दोस्त से बात की है, लेकिन क्या करें? लेकिन क्या? क्या पैसे ज्यादा लगने वाले हैं क्या? नहीं नहीं पैसे की कोई बात नहीं है, अपने बच्चे के लिए तो पूरी दौलत में आग लगा सकता हूँ मैं। उसका कहना है कि इस तरह की सर्जरी के लिए ना प्रेम की उम्र अभी छोटी है, रिस्क है, उसकी जान जा सकती है। क्या? हाँ ना जी ना, हमारा बच्चा जैसा भी है ठीक है, हमारी आंखों के सामने है, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है। ये ब्लड कैसा? हाँ ये जी वो मैं किचन में काम कर रही थी, वो भाजी काट रही थी, सब्जी काट रही थी तो कट गया। हाँ पापा, माँ ठीक कह रही है ना? पापा माँ और अमर भैया दोनों झूठ बोल रहे हैं, हम अपने दांत से काटे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दवाई लगा लूंगी ठीक हो जाएगा। दिखा मुझे। प्रेम इधर आओ। सुनिए उसे कुछ मत कहिए, बस थोड़ा सा कटा है, मैं दवाई लगा लूंगी ठीक हो जाएगा। मैं कहां कुछ कह रहा हूं, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना। इधर आओ, आओ इधर। आगे से तुमने प्रेम प्रेम अमर। जी पापा। जाओ लेके आओ उसे, डर गया है, थोड़ा समझा बुझा के लेके आओ। ठीक है जाओ। अरे साला सेफ खाता है। सेफ दे, सेफ दे ना, सेफ दे ना, गिरा दिया। मम्मी मुझे प्रेम दिया। पकड़ के
इंसान दिखता नहीं जुआ खेल रहे हैं। अच्छा हम भी खेलेंगे। पैसा है जेब में, चल भाग। नहीं, नहीं भागेंगे। यहाँ से जाएगा कि मारे चदाक। नहीं भागेंगे, छोड़ो। हाँ, चलो। हाँ। हाँ। कौन है? कौन है शागुदी? क्या बे साले हमारी गाड़ी मिली तुमको मरने के लिए हैं? जीजा जी ये वही डॉक्टर वाला बेटा है जिसका हम लोगों ने ये बड़ा होके बहुत काम आएगा। वो कैसे? वो एक्सीडेंट के कारण दिमाग थोड़ा सा हल्का हो गया है। ये है छोटा सा छेद प्रेम जिसको हम लोग मतलब आप धीरे 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 बड़ा करेंगे है ना? मामा जी सही बोल रहे हैं। हमारे साथ रहते रहते ट्रेंड हो गया है, तब ऐसे बकैती कर रहा है। बैठो। क्या हुआ बेटा? काहे काहे रो रहे थे? हमको बताओ। हमको जुआ खेलना है। अरे बाप रे, जुआ खेलना है? हाँ तो खेलो, मना किसने किया? वो लोग कहते हैं पैसा लेकर और हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पैसा? अरे बेटा पैसा तो हम देंगे, तुम्हारा बाप भी याद करेगा। ये लो 50 रुपया। ये ले पैसा, हमको दो सारा, हम बांटेंगे पत्ता। दे तू भी दे, अब दिखाते हैं तुम सबको। और कुछ है दाव पर लगाने के लिए? निकाल, तेरा बाप तो धन कुबेर है, दो चार बोरी इधर उधर हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बाप मेरा धन कुबेर है, घर से बोरी उठा करके ला करके हम तुम लोग को साहूकार बना दें, साला इस चक्कर में हम चोर बन गए सबके नजर में, चोर समझा? चल पकड़, घड़ी है बाप का मेरा, बांट बांट पत्ता बांट। हमको लगता है तुम लोग साला जुआ में चिटिंगबाजी करता है, 12 बरस से एको बार हम नहीं जीते। अरे हमको पहले से ही डाउट था, ये साले जुआरी के साथ साथ चोर भी है सारे। देख मुन्ना, हम लोग जुआरी जरूर है लेकिन चोर नहीं है। बाहरे कितना बड़ा साहूकार बोला है, हाँ चोर नहीं है क्या करेगा? माले मेरी चीटिंग की, चोरी की, क्या करेगा? अपने भाई से बोलकर मुकदमा करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा बता। हिसाब बताओ। 20 थप्पड़ गाल पे, 15 पेट में, और पिछवाड़े पे जो 20 लात मारा वो पूरा हिसाब लिया जाएगा सूद समेत। अभी हिसाब पूरा कहाँ हुआ है? अभी हिसाब बाकी है, चल मुन्ना चल। Ah!
अरे कैसे मार रहा है? अरे राम राम, हिसाब चाहिए तुझे? देता हूँ हिसाब। नहीं, वो हिसाब नहीं चाहिए, मिल गया हिसाब। अब ये प्रेम कहाँ गया? हे भगवान, फिर हम कोल जाके गायब। देखो जी, महुआ हो या हो अंगूर, क्या पागल तू फिर आ गया? यही आ गया आपका स्वरूप का इक्का। हम पागल हैं? बात करता, तुम पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। दोबारा हमको पागल बोले ना तो ऐसा गर्मा गर्म कनपट्टा में मारेंगे ना, फड़फड़ा के गिर जाओगे। आ बेटा भोल सिंह। हाँ मालिक। अगर पागल बोला ना ले तो गर्दन काट के लटका देंगे। कि बैठ। पीने वाले खूब पियो, चाहे जुलनी तलक बिक जाए। क्या चाहिए मेरे बताओ? 500 रुपया। 500? बस बस। तुम 500 गए यार? ट्रेन तुम 2000 ले हो। और सुनो, हम तुम्हारे लिए 1500 नहीं बेटा, पूरी की पूरी जायदाद दे देंगे। हाँ, तुम्हारे बाप की तरफ थोड़ी है। सही कह रहे ना बे? हमरे बाप के पास पैसा बहुत है, तिजोरी एकदम खचा खच भरा हुआ है, पता है बे? लेकिन जब हमको पैसा देने का बारी आता है तो पॉकेट से चबन्ने भी नहीं निकलता है। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसीलिए खजाना जो है धीरे धीरे करके हम खाली कर रहे हैं, और एक दिन पूरा सफा चटका देंगे। बढ़िया, वेरी क्यूट। ऐसे नहीं, हम बताएं वैसे। स्टाइल पुराना। पुराना वाला स्टाइल है। हाँ हाँ हाँ। Very cute. पीने वाले पियो जाए, नोड़ा तलक मिल जाए। ये बताओ, दारू वारू पियोगे? शकुनी, है ना? ना ना ना, ऐसे नहीं, आराम से, चुल्लू से, चुल्लू ऐसे ऐसे। ले, सेट 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 सेट। महुआ हो या अब आराम से, आराम से। ए भीम सिंह जी, पिलाओ इसको। समझ गए। ले ले ले। आराम से, आराम से बेटा। पीने पीने पीने। तुमको ही पीना है। लो। अरे पीना बहुत जरूरी। अरे बुआल, बुआल बोतल उठा। पीने वाले, अरे 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 अरे, पागल तो लुढ़क गया। एक काम करो बुआल सिंह। हाँ मालिक। कुत्ते की जगह दहलीज के बाहर फेंको, उठा गए इसे। भीम सिंह, लात मार के फेंको इसे बाहर, साला कुत्ता। साला कुत्ता है। अरे कुत्ता बोल रहा है। उठो प्रेम। आवा ले जाते। चलो प्रेम। मेरा काम हो गया आज का, चलो घर चलते। क्यों गया था हवेली में? क्यों गया था हवेली में? अरे हम कहाँ जाना चाहते उसकी हवेली में? हमको क्या लगता है ना माँ, कि उसने कोई जादू टोना मंत्र मंत्र फूका वो मेरे ऊपर में। अच्छा, मेरे पैर जो है ना अपने आप बोलते हैं चल चल चल,
हम बोलते हैं रुक रुक रुक, सुनता ही नहीं बात मेरा। अच्छा सारा जो दोष है ना वो मेरे पैर का है, तोड़ देंगे इसको। वाह ये सचमुच पागल है या हमको बना रहा है? पिछले 12 सालों से मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ भाई ये बात तो पूरी मेरे भेजे में चली गई। जो ज्ञान की बातें तुम बांटते घूम रहे हो ना, अभी तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, तुम्हारे ज्ञान की गंगा में उनकी भी डुबकी लगा देना, तब समझूंगी। डरा रही हो हमको तुम? नहीं 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 मैं कहाँ डरा रही हूँ। डरते नहीं हम, सम्मान करते हैं। हाँ नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो आप पिता हैं, गलती पर सजा दे सकते हैं। यही बात तो अभी हम बोले थे माँ से। आज फिर भी क्या है? हाँ वो साधु चरण थोड़ा सा पिला दिए सर। पागल कहीं का। हंस लो, मन भर के हंस लो। बाहर पूरा गांव हंस रहा है, तुम लोग भी हंस लो। शर्म शर्म भी नहीं आती ना। श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः। उठाओ से। अरे ममता ये घड़ी कहाँ चली गई है? कल से नहीं मिल रही है, यहीं पर तो रखी थी। माँ मेरी चेन देखी क्या आपने? वो जो कल। धीरे बोल, तुम्हारे पिताजी की घड़ी भी गायब है, सब इस चोर का काम है। कहाँ है घड़ी हमारी, कहाँ है? कोई भी चीज जगह पर नहीं मिलती है, मैं लेट हो रहा हूँ पहले से ही। जी वो घड़ी आपकी इतनी अच्छी है, कल जल्दी जल्दी में हम पहन गए थे, लेकिन शायद कहीं रस्ते में गिरा दिए। अभी माँ को वही बता रहे थे हम। हाँ हाँ वही बता रहा था मुझे। गजब हो तुम लोग, गजब। थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम लोगों को झूठ बोलने में। उस चोर शराबी नशेड़ी गंजेड़ी के पापों में तुम भी बराबर के भागीदार हो, बराबर के। उस निर्लज को समझाने की बजाय उसकी गलतियों पर पर्दा डालते हो, पर्दा। ऐसी बात। चुप। आज वो घर का सामान बर्तन चैन घड़ी जुए में दांव पर लगाता है, कल वो घर की इज्जत दांव पर लगा कर आएगा, उस दिन बात करूंगा मैं तुम दोनों से। ऐसे सो रहा है जैसे इसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। रहने दीजिए ना, क्यों अपना जी जला रहे हैं? नाश्ता कर लीजिए, आपको डिस्पेंसरी जाना है ना, हम इसे बाद में बात कर लेंगे। अरे तुम क्या समझाओगी, क्या बात करोगी है? हटो हटो, नाश्ता कर लीजिए। क्या करूं इसका? अरे माँ कोई सचमुच चिल्ला रहा था कि सपना देख रहे थे? नहीं बेटा, यहाँ तो पूरी शांति है, कोई नहीं चिल्ला रहा था। कैसा सपना है रे? जैसे पिताजी जाते हैं इसका सपना टूट जाता है और आंख खुल जाती है। चोर कहीं का। चोर? हम और चोर? ये बात कोई और बोलता तो शायद हम बर्दाश्त कर लेते। माँ ने बोला, भोलेनाथ उठा लो हमको। माँ ने चोर बोला है? हाँ बोला, चोर चोर बोला मैंने। क्यों करता है सब कुछ? सुधार अपने आप को, वरना तू हमेशा कहते ना हे भोलेनाथ मुझे उठा लो, भोलेनाथ मुझे उठा लो। एक दिन पापा तुझे मार मार कर सचमुच भोलेनाथ के यहाँ पहुंचा देंगे। हाँ देखो माँ, मेरे रगों में रमाकांत सिंह का खून है। अच्छा गर्दन कटा देंगे लेकिन चोरी पाप है माँ, पाप, चोरी नहीं कर सकते। कितनी बार तुमको समझाया कि चोरी चकारी मत किया करो, क्यों करते हो तुम? अब पिताजी की तरह तुम भी भाषण मत दो। पिताजी के पास इतना धन है कि दोनों हाथ से पूरा जीवन भी अगर लुटाएंगे ना तब भी खजाना उनका खाली नहीं होगा। अच्छा ऊपर से तुम एक बेटे उनके होनहार बेटे उस धन को और बढ़ाने में लगे हो। कोई एक लायक लड़का तो होना चाहिए उस खजाना को खाली करने के लिए।
और वैसे भी समंदर से दो चार लोटा अगर पानी निकल भी जाता है तो समंदर सूख थोड़ी ना जाता है। क्या प्रवचन दिया है बाबा प्रेम ने है? मेरे भाई ये प्रवचन खत्म हो गया हो तो जरा ला घड़ी और चेन दे दे, पिताजी बहुत गुस्सा करके गए हैं। जुआ में हार गए। ये देखो माँ। अरे जुआ खेलने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्यों खेलते हो तुम जुआ? अरे कलम जीत गए होते, बेईमानी किया वो मेरे साथ में। और इस बेईमानी को पकड़ने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है जो माँ, इसका तो शायद बचपन में छिटक के गिर गया था, यही बोला था ना ये? हाँ, बिल्कुल गिर गया था। फिर महापुरुष, ज्ञान का समस्त अकूत भंडार तो आपके मस्तिष्क में ही समाहित है, मेरा तो पूरा ऊपर वाला माला ही खाली है। अब चैन से हमको जीने दोगे कि माथा तो फोड़ ले अपना हम? ओ फोड़ ले माथा, क्या इसकी बातों में आ रहा है? जा अपना काम कर, अगर इसकी बातें सुनता रहेगा ना अपनी वकालत भूल जाएगा। जा। यही लग रहा है माँ हमें तो। अच्छा खुश रहे। अच्छा माँ सब खाली। चलबू का सनीमा कहे तोरे घर माई बहन ना है? तोहार मेहर ना है? अरे मरी गयो नु, अब है मारा मरी जाबा। हे हम कहे मारा मरी बुढ़िया, तोहार माई मारा, तोहार बाऊ मारा, तोहार सारा सा खानदान मारा, हम कहे के मरी? हे डंडा उंडा मत दिखावा हमके, डंडा क्या पसंद काटा, छोड़ छोड़ छोड़, रमुआ। अरे का बा भौजी, अरे भैया, अरे जान दियो, अरे पगला रु। तकुआ तेरे मर्द ने बनवाया है, पर ये पानी तो इस धरती से निकलता है ना, वो तो तेरे ससुर का नहीं है। चल हट यहाँ से, नहीं तो कुआं में डाल के जल समाधि बना देंगे तुम्हारी। है इनको। हाथ लगा के तो दिखा। हाथ क्या, तुम्हें तो इस कुआं में डाल दूंगी मैं। हिंसा महापाप है, महापाप है, लेकिन इन दोनों को देखो, पानी के लिए जान लेने पर आमादा है। आज ये बाल्टी फेंक देते हैं, न रहेगा बांस न टूटेगा टंगड़ी। मौसी काहे 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 झगड़ा कर रही हो तुम लोग? तुमको कौन बीच में बुलाया? अरे हमको कोई भी बुलाए, लेकिन हिंसा महापाप है, आपस में लड़ना ठीक बात नहीं है ना। ये कुलक्षणी कह रही है, ये कुआं इसके बाप ने दहेज में दिया है, अब इस पे ये कुंडली मार के बैठेगी। हाँ रे चुड़ैल डैन, ये कुआं हमारे बाप ने ही हमको दहेज में दिया है, बोल क्या करेगी कलमू ही कहीं की। राम 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 राम, आवत गारी एक है उल्टा धोत अनेक, कहे कबीर न उलटिए वही एक की एक। गाली गलौज मत करो माता। गांधी बाबा के चेला तो निकल यहाँ से, भाग पगलवा। हम तो भाग जाएंगे, लेकिन पानी कैसे भरोगी तुम? बाल्टी से और कत्तों का कुएं में डाल के निचोड़ेंगे। हमको कहे निचोड़ोगी, लेकिन बाल्टी कहाँ है? कहाँ है? कुआं में। कौन डाला? ये तो हम ही डाले होंगे, शुभ काम हमरे अलावा कौन कर सकता। अरे अरे मौसी, अरे अरे दार बिठवा है मौसी, अरे गद्दा समझ के फिर प्रेम ने गड़बड़ कर दी। मैं प्रेम की तरफ से अब से माफी मांगता हूँ। माफी तो 12 साल से डॉक्टर साहब आप रोज मांग रहे, लेकिन अब हम लोगों को माफी नहीं, इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। छुटकारा चाहिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो मालूम है कि प्रेम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बीमार है बेचारा। बेचारा, वाह डॉक्टर साहब वाह। बेचारा तो आपके लिए होगा वो, क्योंकि आपका बेटा है वो, लेकिन पूरे गांव वालों के नजर में सिर्फ एक पागल कुत्ता है। कुत्ता, उसके सिवा कुछ भी नहीं है वो। हाँ, और जब कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो उसे ऐसे ही घेर के लाठी और भाला से मार दिया जाता है। ऐसी बात मत करिए आप प्लीज। कौन बोला, कौन बोला, कौन मारेगा हमारे भाई को? कौन मारेगा? तुम मारेगा अमर। पागल कौन बोला उसको? तुम बोला, तुम बोला क्या? तुम बोला, तुम बोला क्या? हम बोले हम। अगर वो पागल हमको मिल गया ना, तो जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, समझ गए ना? प्रेम नाम है उसका। कोई पागल कुत्ता या पागल नहीं, समझे क्या?
हरामखोर कहीं का जिंदा गाड़ेगा। अमर, अमर, ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें कि लोगों का गला काटो, उनके साथ गाली गलौज करो? जब अपना सिक्का खोटा होता है तो लोगों को दोष नहीं देते हैं। जाओ यहां से, प्रेम को लेकर घर पहुंचो। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रहे! बहुत गुस्सा आ रहा था ना गांव वालों के ऊपर, मेरी भी छाती खुशी से नहीं फूल रही थी। आज इसका पागलपन पूरी तरह से खत्म कर दूंगा मैं। नहीं बाबा, अगर तुम या तुम्हारी माँ मेरे बीच में आई ना तो अपने आप को खत्म कर लूंगा मैं। चलो चलो। बस कीजिए, बस कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए, छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए इसे। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। कोई भी इसको खोलेगा नहीं, खोलेगा नहीं। हे प्रेम, ले खाना खा ले। खाना खा ले? बहुत मजा आया ना? नहीं नहीं मेरे भाई, हमको मार खाते देख के तुमको बहुत मजा आया ना? क्या बोला था कि जब पापा मारेंगे तुम बचा लेंगे? दूर खड़ोगे, तमाशा देख रहा था, एक बार भी बचाने नहीं आया। गाल पे, गर्दन में, हाथ में, पीठ में चोट लगा। देख रो मत, दोनों भाई साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? आजा, तुम खाओ, पापा का मार खा के मेरा पेट भर चुका है, तुम खाओ खाना। चल दोनों भाई साथ में खाना खाते हैं। तुड़ा नहीं कहीं खाना पड़ गया, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। खाना खा लीजिए। प्रेम ने खा लिया। आपकी मार से उसका पेट भर चुका है, खाने की थाली फेंक दिया उसने, थोड़ा सा खा लीजिए ना। तुम जाओ, मैं खा लूंगा। स
सही में खिलाएंगे ना मारेंगे तो नहीं। हम तुम्हें कभी ही मारेंगे। तुम भी बदमाशी मत करना। नहीं करेंगे। क्या किया दिन भर? हम नहीं बताएंगे आपको। हमसे सब पूछ लेंगे फिर हमको बाद में डंडा से मारेंगे। अब हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। ठीक। तूने उस बन्ये के बैल का दूध क्यों निकाला था? नहीं, हम उसके बैल का दूध नहीं निकाले। हमको लगा कि वो बैल हमको खोलने के लिए बोल रहा है तो हम बस खाली उसको खोलने के लिए गए थे। बैल का दूध हम कहें? अच्छा, बैल कभी दूध देता है? पागल समझते हमको ना आप? इतने पागल नहीं है हम। वो तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पागल नहीं हो तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तुम लोग तुम्हें पागल समझते। पागल लोग को सब पागल ही लगते हैं। पूरा गांव पागल और हमको पागल बोलते हैं। आप तो डॉक्टर है ना, आप बताइए कहीं से हम पागल लगते? पागल है हम। मेरा बेटा पागल नहीं है। मत रोइए पापा। खिला दो, खोल दो उसे। वो राजेंद्र की बिटिया की शादी है, है? जी। एक भर का एक कहना खरीद के ले जाना। जी ठीक है पापा। पापा हम भी जाएं क्या भाई के साथ शादी में, राजेंद्र चाचा की? ना प्रभु। आप यहीं बिराजिए, खुशी का मौका है, आपके चरण पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझदार बनने की कोशिश कीजिए। तुम टीवी देखो। हा? टिफिन रख दिया है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वरना आपके लिए भी मुझे एक दूसरा डॉक्टर रखना पड़ेगा। ये घूंघट ना खोले, दूल्हे की आंखें भी ये सब राज गर बोले। रंग लाई लाई कि मेहंदी रंग लाई लाई, शहदाई सी आज लगे कानों को शहनाई। आज की रात वेडिंग में ढोल ताशों का हंगामा, सारे नाचेंगे अंदाना। आज दुल्हन की बारी है, निभाना है अपना वादा, लेने आया है शहजादा। घनके सजे तुझ पे ये गहना, उस पे गालों की लाली वाह क्या कहना। बड़ा बंधन के आए हमारे दूल्हे राजा, मगर पैरों में जूता क्यों नहीं पहना। नेग दे कर जाना पड़ेगा हर जाना, जरा ये चाट बताशे नोश फरमाना। आज की रात वेडिंग में दुल्हन की बारी है, निभाना है अपना वादा, लेने आया है शहजादा। छोटा बाबुल का ये अंगना,
सखियां संग नाई, बेटी क्यों हो जाती पराई, क्यों ये रीत बनाई। आ सुना छलका ना, मुस्कुराती जाना, जरा ये रस मलाई नोश फरमाना। आज की रात वेडिंग में ढोल ताशों का हंगामा, सारे नाचे ये अंदाना। आज दुल्हन की बारी है, निभाना है अपना वादा, लेने आया है शहजादा। आज दुल्हन की बारी है, शकुनी हम जा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे भाई। तो चलना यार। नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई, प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा सुंदरी? हमको अपना नाम तो बताओ। नाम पता चल क्या? ना पता चला हो तो घर जाकर आईना देख लेना, दिख जाएगा। दो एक कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत। अरे बस बस बस, एक गाल पे बिटिया का नाम तो छपवा ही लिए हो, अब क्या दूसरा गाल पे दामाद का नाम भी छपवाएंगे? वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। हम जा रहे हैं, आज तो जा रहे हैं, लेकिन थप्पड़ का बदला तुमको अपना सब कुछ देके चुकाना पड़ेगा। चल रे शकुनी, चल। बहुत हुआ सम्मान। आप ठीक हैं? जी। अभी कुछ आवाज सुने हम, आपने सुना क्या? कसम से दीदी की कसम, हम सचमुच सुने कुछ आवाज। चलिए से अंजलि। अरे आप, तो कल भदोही में ठीक 12 बजे भदोही मेले में आ जाना। कितने बजे? 12 बजे। ठीक 12 बजे, ठीक है। तेरी इतनी हिम्मत। अरे बस बस बस। जी जाग जाएंगे, शांत। कल ही माँ को हम बोलेंगे, लड़का जवान हो गया, उनका जल्दी शादी ब्याह कराओ, नहीं तो चैन से जीना नहीं देगा किसी को। बोल देना, चुप हो जा, सो जा भाई। तुम सोने देगा तब तो सोएंगे ना। अच्छा अच्छा, ब्याह करवा अपने लड़के का, नहीं तो हाथ से गया। ए पगले, चुप। अच्छा, हम पागल हो गए? घोर कलयुग है माँ, यहाँ सच बोलना सब पागल ही बोलते हैं। रात वाली बात बताएंगे माँ को? चुप, पागल हो क्या? 100 रुपए में बात हुई थी हमारी, दे देंगे। अरे 200 ले लेना तुम, ठीक है, 200 दे देंगे तुमको हम। ये क्या नाखून वाखून माँ, इसके नाखून जरा देखो, कटवाओ जरा इन्हें, क्या करके रखा है इसने। ठीक ही तो है। अच्छा शायद हमारे होंगे वो। पागल हो गए। अरे सुन, ऑफिस जा रहा है तो इसे भी ले जाना, 2 दिन से मेरे सर पर बैठा है। वो माँ, हम बोले थे ना वो बड़े क्लाइंट्स हैं, तो काम थोड़ा फैला रहेगा, ये जाएंगे तो और फैला देंगे, आप समझिए ना, बड़े क्लाइंट्स हैं, बुरा मान गए तो। अच्छा, बड़े लोगों के बीच इसे लेकर जाएगा तो क्या तू छोटा हो जाएगा? नहीं माँ, मतलब इसलिए तो नहीं लोग इसे पागल कहते हैं। पागल? ये माँ पागल ये नहीं, हम लोग हैं। तू पागल? तो फिर ठीक है ना, अगर ये पागल नहीं है तो ले जा अपने साथ, वरना मैं जानती हूँ आज इसके पैर घर में टिकने वाले नहीं है। अच्छा, बाहर जाएगा तो शैतानी करेगा, फिर तेरे पिताजी से लोग शिकायत करेंगे,
फिर ये पिटेगा गधे की तरह। इससे अच्छा कि ये पिटे, तू ले जा अपने साथ। बस गया। माँ हम क्या कह रहे? बेटा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये घर में रहेगा तो ना खुद काम करेगा ना मुझे काम करने देगा, ले जाना इसे। हमको भी कैसे नींद आएगी हो। अरे यार प्रेम। हाँ जरा बात सुनो यार। जी। ये गाने से हमें याद आया, तुम हमारा एक काम करोगे? बड़े वाले काम चोरे, काम वाम हमसे नहीं होता भाई। अरे पहले सुन तो लिया करो। हाँ। हम तुमसे क्या यहाँ खेत जुतवाएंगे? वो तो वैसे भी करने वाले नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारा आज एक बहुत ही जरूरी काम है, और वो काम अगर आज नहीं हुआ तो समझो तुम्हारे भैया का तो। अरे नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, बोलो आगे बोलो। अब देखो क्या है कि अब हम वहाँ तुम्हें लेके जाएंगे। हाँ? तो काम तो बिगड़ेगा ही। हाँ। तुम जानते ही हो है ना। तो हम कह रहे थे कि तुम यहीं अच्छे अच्छे गाने गा के हमारा वेट करो। हाँ? हम जाके आते हैं, तुम कहीं जाना मत। अच्छा बात तो सही है, ठीक है आप जाइए, वेट आपका हम यहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ हम आपको एक घंटे बाद यहीं मिलेंगे। हाँ लेकिन एक गाँव मिलेगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। हमको तुम आज एक बात बताई थी। हाँ, पूछ लीजिए। तुम पागल हो या बना रहे हो? अब ये एक ही डायलॉग बार बार सुन करके ना कान में से खून निकलने लग गया है मेरा, पब्लिक भी बोर हो जाएगा। तुम्हारी तो सुधरोगे नहीं तुम। सब हमको मालूम है किधर जा रहे हो, चलो चुपचाप से। चलो बैठो फिर। कैसे भाई हो? और ये तुम्हारा ये कहाँ है आजकल मुन्ना? वही हो। आइए यहाँ बनारस का पलंग तोड़ पान है जो यूपी की शान है मेले। अरे मुन्ना प्रेम, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे हम यहाँ। अरे भाई हमको बताया नहीं कि यहीं पर ब्रांच ऑफिस खोला है, चलो मेला घूमते हैं। चलो सुबह से हमको तंग कर रहा है ब्रांच ऑफिस के नाम से। नया ब्रांच ऑफिस? अरे यार तेरे लिए तो खोला है वो ब्रांच ऑफिस। ए प्रेम चुप। ललिता पवार को पीतिका कादूकोन बनाने वाला क्रीम है। अरे अब चल चल रहे ना। आइसक्रीम खाओगे? खाएंगे ना आइसक्रीम। चलो क्या हाल है भैया? ठीक हुआ भैया। अच्छा एक काम कीजिए। जी भैया। ये हमारे छोटे भाई हैं और ये इनके प्रिय मित्र हैं, तो पेट भर के आइसक्रीम खिलाइएगा, जो उनसा भी फ्लेवर मांगे दे दीजिएगा। ₹300 बहुत रहेंगे। हाँ हाँ ₹100 हमको भी दो। किस बात के? अब मेला घूमने आया, कुछ खा भी मिलेंगे ना, आइसक्रीम से पेट थोड़ी ना भरेगा। अच्छा अच्छा दारू पी लेना ठीक है। छी 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 राम राम, दारू पीना कब का हम बंद कर दिए। हाँ खाली इल्जाम लगाते। और भैया हमको भी दीजिए। अच्छा आप भी लेंगे? हाँ एक काम और कीजिए। हाँ जेब में हाथ डालिए जरा आपने। हाँ अरे हाँ क्या है ये? मोबाइल। इसमें हमारा नंबर है, यहाँ से हमें बिना फोन किए कहीं हिलिएगा मत। अच्छा लेकिन मोबाइल चलाने कहाँ? अरे प्रेम हम है ना, रख ले। अच्छा ठीक है तब बिना फोन किए हिलिएगा मत। नहीं एकदम नहीं। ठीक है। हाँ ध्यान से भैया। चलो तुम जाओ अपना ऑफिस का काम करो। हाँ, हाँ। अरे वो देखो अमर कहाँ। तुम्हें बलून पसंद है ना? हाँ। अरे मेहंदी है। अरे बलून चाहिए? हाँ हाँ हाँ। अरे वो देख वो देख और वो देख। हाँ हाँ वही एग्जैक्टली तुम। अरे मर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दर्शना इधर आती है। अरे नहीं वो अरे तुम अरे दर्शना हम लोग चले। वो हम ये आ ई स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ये हम कक्षा एक में पढ़ चुके हैं, इसके आगे भी एक पढ़ाई होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हम पढ़े हैं ना, आगे भी पढ़े हम। अच्छा हाँ क्या क्या पढ़ाई किए हैं? हम वकालत किए हैं, LLB किए हैं हम। वकील साहब आपको यहाँ मुकदमा नहीं लड़ना। हाँ। आप हमसे कुछ कहने वाले थे है ना, कुछ कुछ कहना था आपको हमसे। हम कहने वाले थे? जी आप। हाँ हाँ हम कहने वाले थे ना। जी। और हम कहेंगे। हाँ क्या अब
ये जो मेला है ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? मेला? हाँ आप एक काम कीजिए जी, आप 10 रुपए का ना झुनझुना खरीदी हाँ। और उसे बजाते हुए सारा मेला देखिए, क्योंकि आपसे ना कुछ हो ना पाएगा। अरे वो अंजलि जी, कुछ बोले ना राज दिल के खोले ना, मैं लड़की ताज महल सी, मुझे देख के भी दिल बनाए घुमा फिरा के ताड़े मुझे वो चश्मा लगा के, फिर ग्लो से रोज नहा के मेरे मोहल्ले में आते जाते तेरे नजर का निशाना बना। अरे सैया जी, सैया जी, अरे सैया हमारा वादी रतियां। मैंने माना कि तेरा है चर्चा बड़ा, मेरे जैसा कहीं देखा है तो बता, मेरी बात बनेगी हाँ जी हाँ जी हाँ, तेरी दाल गलेगी ना जी ना जी ना, बस आने का यूं ना बहाना बना। अरे सैया जी, अरे सैया जी, अरे सैया हमारा दीवाना बना, अरे सैया हमारा दीवाना बना, ओ सैया हमारा दीवाना बना, अरे सैया हमारा दीवाना बना, सैया तुम्हारा दीवाना बना, सैया तुम्हारा दीवाना। अगर प्यार करते थे तो बोले क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं? कल से सपना और हकीकत मिला के कम 100 बार आई लव यू बोल चुके हैं तुम्हें, और 200 बार चमाट भी खा चुके हैं। अच्छा सुनो, हमारी फ्रेंड्स हमें खोज रही होंगी, अब हमें जाना होगा। अगर हमें छोड़ के जाने का मन कर रहा है तो शौक से जाइए। मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। वो हम कह रहे थे कि क्या ये कि अगर एक
किस मिल जाता तो चांटा मिलेगा, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो, वो सब शादी के बाद। अरे पर इतना करीब रहोगे तो कंट्रोल कैसे होगा? प्लीज एक किस करने दो ना। वो कौन है? रिसेटिंग होने नहीं देते, फिर कुछ गड़बड़ किया। कल युकी भाई तुमको तुम बात में अमर, वो तुम्हें बुला रहे हैं ना? हाँ। तुम जानते हो क्या उन्हें? नहीं। हाँ वो जानते हैं, पागल है बेचारा। पागल है वो तो हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो तुम्हें क्यों बुला रहा है? वो दरअसल उसका एक भाई था, वो एक लड़की के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसके साथ भाग गया। ये बेचारा उसके गम में पागल हो गया है, जिसे भी देखता है अमर 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 चिल्लाता रहता है। अब इत्तेफाक से हमारा नाम भी तो अमर है, कोइंसिडेंस यू नो। बेचारा, लानत है ऐसे कुत्ते कमीने टाइप के भाई पर। एक लड़की के प्यार में बेचारे अपने भाई को भूल गया। तुम जाओ जाकर उसे बचाओ, अगर लोगों ने पकड़ लिया ना तो उसे मार डालेंगे। जाओ बचाओ उसे जल्दी जाकर। मार डालेंगे? हाँ उसे। अरे मारेंगे तो तब जब वो पकड़ में आएगा। मतलब? अरे 24 साल से जानते हैं इसे, अगर ये ओलंपिक्स में दौड़ता ना तो भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स होते। चिंता अच्छा? मत करो इसकी, ये बच बचा के आ ही जाएगा। अब तुम इस पागल से ध्यान हटा के जरा हम पे ध्यान लगाओ ना। तुम्हारे सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा है और तुम इधर उधर की बातें। अमर ये वो पागल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अमर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ। बोले से जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो? जाइए अपना काम वाम कीजिए। लड़की छोड़ मेरे भाई को। हाँ? भाई और तुम माँ का होनहार बेटा, पिताजी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऑफिस के बहाने से मेला में आके लड़की के साथ गुटरगु हो रहा है। नहीं। जल्दी बताओ कौन है लड़की? ये पता नहीं, वो तो हम मेला से जा रहे थे, बेचारी परेशान घूम रही थी तो उठा लिए। हम कोई भंगार है जो उठा लिए? नहीं। ओ मिस्टर पागल, जो कोई भी हो तुम, हम इनकी प्रेमिका है। अच्छा हम पागल हैं, किसी एंगल से पागल दिखते हैं? नहीं तो। नहीं ना, यही बोला होगा ना आपको कि हम पागल हैं, कोई कहानी नया सुनाया होगा कि मेरा एक भाई था जो एक लड़की के प्यार में पागल हो गया, मुझे छोड़ के भाग गया, इस चक्कर में तब से हम सबको अमर अमर ऐसी कुछ। हाँ, हाँ। नंबर वन का झूठा है ये, ऐसे ही झूठी कहानी सुनाता है और लड़की को फंसाता है। नहीं नहीं, तुम तो बेटा घर चलो, माँ को सारी कहानी सुनाते हैं तुम्हारी, ताकि उनको भी पता चले कि उनका बेटा कौन कौन से गुल खिला रहा है। हाँ? और आप मिस प्रेमिका जो भी है, आप जाने का कष्ट करेंगी या फिर टेलीग्राम भेजें आपको? अरे रुको रुको मैं समझाता हूँ। अरे अरे रुको ना, मिल गया चैन। हाँ हाँ, ठंडक पहुंची कलेजे में। आओ नीचे उतर के आओ, अभी आइसक्रीम खाओगे? हाँ खाएंगे ना। खिलाते हैं। और ये बताओ ये मैराथन क्यों दौड़ रहे थे, फिर कुछ गड़बड़ किए हो क्या? अरे कोई गड़बड़ नहीं किए थे। चलो किए भी हो तो संभाल लेंगे, और नहीं संभाले तो फिर देख लेना तुम। एक बात दिमाग में आ रहा है मेरे। नहीं मैं नहीं लूंगा, आगे लीजिए भैया। हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम, तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा है? हाँ। मुन्ना इनके दिमाग में बात आ रहा है। अरे दिमाग में बात तब आता है ना जब दिमाग होता है। अब ऐसे मत देखो, ये तुम्हें बोलते हो कि तुम्हारा दिमाग नहीं है, छिटक के गिर गया था एक्सीडेंट में। हो गया बोल के तुम्हारा? हाँ हो गया। भाई मेले में आके जैसे तुम्हारे भाभी को तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मतलब यह कि जैसे मेले में अगर तुमने हमारे लिए भाभी खोजा, भाभी घर में जाएगी, इतना सारा काम जिम्मेदारी अकेले बेचारी कैसे उठाएगी? बिल्कुल, कोई सपोर्ट के लिए, साथ देने के लिए देवरानी, एक बहन जैसी देवरानी साथ में होनी चाहिए ना। देवरानी? हाँ। देख भाई, ये भाभी जो मुझे मेरे लिए खोजनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी, वो हम खोज लेंगे और अच्छी खोजेंगे। ये शुभ कार्य जो है ना भाई साहब, पकड़िए आप, हम खुद ही करेंगे।
अब दोनों मेला देखो और सुनो भाभी हम खोज के बात सुनो मारी प्रेम। अरे भैया उसको रुको नहीं तो मेले में कुछ गड़बड़ कर देगा। प्रेम रुक। अरे तो बनाइए उसको, थोड़ा क्या टाइम लगेगा। नहीं उसको बनाइए, वो दूसरा बनाइए, ये बहुत ज्यादा बना दिया आप। बहन जी नमस्ते, शादी करेंगे हमसे? सैंडल देखा अभी नया खरीदा, अभी चटाक से गाल पे पड़ेगा ना, शादी का सारा भूत उतर जाएगा। अरे नहीं आप हमको गलत समझ रही हैं, हम बहुत अच्छे कुल खानदान के बढ़िया संस्कारी लड़के हैं। वो क्या है बस हम शादी के लिए एक लड़की खोज रहे थे, तो वो मतलब मामला फाइनल है। कुत्ता कमीना, बहन भी बोलता है छेड़खानी भी करता है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अमर अमर भी ऐसी बात नहीं है। कौन है तू? रुको, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ छेड़खानी करने की? नहीं नहीं छेड़खानी नहीं कर रहे थे हम, वो तो शादी का बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, तो तुम्हें शादी करनी है? हाँ। शादी से पहले थोड़ी खातिरदारी होगी ना तुम्हारी? नहीं खा भी क्या है, हम पेट भरा हुआ है मेरा, जरा इनकी खातिरदारी करो भाई। अरे नहीं भाई, अरे अरे भैया वो देखो वो देखो। हमारी बहन के साथ बदतमीजी की है इसने, इसकी सजा तो इसे मिलेगी। देखिए भाई साहब, इसने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं आपसे, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। आपको क्या लगता है कि कोई हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे। एक ही बार बोलेंगे, बात अगर दिमाग में घुस जाए तो ठीक, वरना पिताजी हमारे भी यहाँ के बड़े डॉक्टर हैं और छोटा मोटा इलाज तो हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा आइए, तो आप हमारा इलाज करेंगे? जी बिल्कुल। मान जाते भैया तो ये सब नहीं ना करना पड़ता। एक बार फिर से माफी मांगते हैं। और कहाँ है वो? इधर ही है। इधर आओ। हो गया तुम्हारे मन का? हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। चलो माफी मांगो अभी। माफ कर दीजिए, आप भी माफ कीजिए बहन जी, लेकिन वो शादी वाला प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा, फिर कुछ गलत बोले क्या? अच्छा चलो एक बार फिर माफी मांगते हैं आपसे। तुम सुधरोगे कि नहीं? कला का उपहार, उपहार। आप ना अखबार पढ़ के देश विदेश की खबरें लेते रहो, अब वो दिन दूर नहीं जब अपनी बेटी के कारनामे इसी अखबार में पढ़ोगे आप। मैं पूछती हूँ, वो साधु चरण के गुंडों से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी उसको? एक ही मदर इंडिया बच गई क्या पूरे गाँव में? देखो मुझे अपने होनहार बेटी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेगी बिल्कुल सही करेगी। आय हाय, ये मुंह और मसूर की दाल, बाप मर्यादा पुरुषोत्तम और बेटी राजा हरिश्चंद्र की पोती। एक बार कह देते हैं हम, जाके उसे फटकार दो, वरना वरना हम कुएं में कूद के जान दे देंगे अपनी। तुम कूदोगी? हाँ ठीक है कूद ही जाओ, हम यहाँ सीरियस है और आपको मजाक सूझ रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम अभी कुएं में कूद ही जाते, देख लेना जाएंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है अभी जाते उसकी खबर लेते हैं। पक्का पक्का उसकी टांग तोड़ के रख देते हैं, समझा क्या है उसने अपने आप को? वो कहाँ है डंडा? डंडा अभी देती हूँ, ये लीजिए। तैयार है? ठीक है तुम यही रहो, मैं खबर लेके आता हूँ।
कितनी बार मना किया है मैंने कि लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, गांव में उदंडता मत करो, क्या समझ रखा है तुमने? हैं? खबरदार जो उसको फिर कुछ कहो। बात समझ में आ रही है तुम्हारी? हैं? अतम। अब हम 10 बरस की छुई मुई बिटिया नहीं है जो तुम्हारा मार और गाली सुनकर हम चुप बैठ जाएंगे। इसलिए जब तक हम इस घर में है ना, अपना ये जहरीला जबान अपनी चोंच के अंदर दबाए रखना, वरना ये जो चाकू देख रही हो ना, इसी से तुम्हारा जबान काट डालेंगे। और ये जो कुएं में कूदने की धमकी देती हो ना बार बार, वो हम सच कर डालेंगे। ये चाकू घुसेड़ेंगे पेट में, तुम्हारी सारी अतड़ियां बाहर निकाल कर तुम्हारे हाथ पांव बांध कर उसी कुएं में धकेल देंगे। और जो ट्रक भर के दहेज लाई हो, वो तुम्हारा दहेज तुम्हारे ऊपर डालकर कुआं मिट्टी से दबा देंगे। आई बात समझ में या दिखाए नमूना? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। समझ गए, हम समझ गए। माइंड इट। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या ये सब, क्या सुबह सुबह ये सब क्या ले रहे हो? हाँ, उस लड़की की थप्पड़ की गूंज साली हमको सोने नहीं दे रही है यार, और साथ में उसके वो वकील लौंडे की धमकी। हाँ, बहुत बेइज्जती हुई। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक तो ये साला डॉक्टर से ही दुश्मनी थी, अब साला पूरा का पूरा परिवार को अगर बर्बाद न कर दिया ना, तो साधु चरण चैन से नहीं बैठेगा। अरे जीजा जी, बड़े से बड़ा जहाज को डुबाने के लिए एक छोटा सा छेद ही काफी होता है, और प्रेमवा नाम का छोटा छेद अभी काफी बड़ा हो गया है। डॉक्टर वा तो गर्दन तक डूब ही चुका है, बस वो छोटा छेद थोड़ा बड़ा कर दें तो डॉक्टर वह पूरा फिनिश। बुला गले आप? अरे बुआल, लाता हूं मामा जी अभी। आपका तोता आ गया, आपका तोता आ गया। जीजा जी, आ रहा है आपका तोता। आओ प्रेम बाबू आओ। प्रणाम। हे बेटा, ये बताओ आजकल बहुत दुबराए गए हो यार तुम। हाँ, खाना वाना मिल रहा है कि नहीं तुमको ठीक से? अरे घी भी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, अरे घी मक्खन दूध मलाई खाना सब धकेल धकेल करके माँ खिलाती है हमको। वाह, वो तो बस पिताजी जो है ऐसे पीट पीट के सब वसूल कर लेते हैं। देखो तुम तो रह गए मूरख के मूरख, और तुमरे भाई मरवा को बना दिया वकील ताकि तुमको अदालत में वो अमरवा पागल साबित कर सके। जीजा जी, इसका भाई अपने बाप के साथ मिलकर प्रेम के साथ साथ इसकी बूढ़ी माँ को भी घर से निकालने वाला है। अरे बाप रे, वकील बुद्धि है। हाँ, कलयुग है भैया, इस उम्र में इसकी बूढ़ी माँ क्या करेगी ये सोच के मेरा कलेजा कांप जाता है। अरे प्रेम का तो ठीक है, आप है देख लेंगे ना, लेकिन इसकी बूढ़ी माँ दूसरे के घर का झाड़ू बर्तन ये सब सोच के मेरा कलेजा कांप जाता है। हे राम। अरे झूठ बोल रहा है ये, अमर बहुत अच्छा लड़का है, हमको भी बहुत प्यार करता है, माँ को भी प्यार करता है। अरे मामा तो ऐसे। मैं तो कहता हूँ तुम हिस्से की बात करो। हाँ। देखो बाप और बेटा कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलेंगे। हाँ, एक चीज है कि जिस दिन अमरवा का ब्याह हुआ मेहरारू आई, उसी दिन तुमको और तुम्हारी अम्मा को निकाल के घर से बाहर फेंक देगा। जाओ, निकल जाओ यहां से। ह,
क्या हो गया? ठीक हो भाई? हालत देखो बेचारे की, हिस्सा मांगने के सदमे से ये पहले ही डर जा रहा है, तो हिस्सा कहाँ मांगेगा घंटा? हाँ, इतना पागल भी नहीं है कि हमको सही गलत समझ में नहीं आए। अच्छा, जो मेरा अधिकार है हाँ। उसको तो लेना चाहिए ना। हाँ, वो तो लेंगे हम। बिल्कुल लेना हाँ? कुछ भी हो जाए माँ के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। नहीं, होने भी मत देना। और हिस्सा मांगेंगे ही नहीं, लेके रहेंगे। डॉक्टर बाबू और अमर, अगर तुम्हारे साथ चलाकी करेंगे ना, सारा हम तो है ना तुम्हारे साथ, साला पंचायत बुलवाएंगे समझे, और हुआ फैसला करवाएंगे। अच्छा हुआ कि हमारा आंख खोल दिए। हाँ, नहीं तो पता नहीं हमारी माँ का और हमारा का होता। ये हुई ना बात। हाँ, ये बात हुई। वाह, अब हमारा भाई प्रेम, ये प्रेमवा कल करोड़पति बन जाएगा। और इस खुशी में जश्न होना चाहिए जीजा जी। और जीजा जी हाँ? सब ना वैसे भी प्रेम को तो बहुत ही पसंद है। पाई कट कोली चलने हैं थाए थाए रे, हवा से उड़ी जो साए साए रे, और फुल मुने से प्रिटी हमरा है फेस, मुझ में है बनली वाली साली सारी क्रेज। सन सन साए साए थाए थाए सर सपट, गॉड भी देखे मुझे उसकी भी नियत में कपट। सन सन साए साए थाए थाए सर सपट, गॉड भी देखे मुझे उसकी भी नियत में कपट। हमारे लहंगे में शाइनिंग वाले सितारे, मतलब स्पेशल वाले। हमारे लहंगे में चमचमाते सितारे, चांद भी डाइनिंग को आता जाता हमारे। छोरी भी सपोर्ट तक तू देश उड़ा सकती है, एक-एक धमके में सौ सौ को लड़ा सकती है। हाय, हमारी बिंदिया का ऑल इंडिया में क्रेज है, सुलग चिंगारी हम बिजली से तेज है। उठ अंगारे तेरे सांसों में तेरी है लपट, हिंद की आग है तू थानों में तुझ पे है रपट। उठ अंगारे तेरे सांसों में तेरी है लपट, हिंद की आग है तू थानों में तुझ पे है रपट। हमसे हाउसफुल थिएटर की है खिड़की, हमसे हाउसफुल थिएटर की है खिड़की, मिर्ची से तीखी मीठी है हम गुड़सी। चटनी चीनी की आस है तू जीने की, पहली लगती तारीख तू महीने की। रे पता लिख डाला दिल का अपनी अर्जी दे भेज, वाइट रहते हैं हम गादू रंग दे रंग रे। तलवार है तू काटे जो आए है निकट, घर को बेच के लाए है तेरे शो की टिकट। नंगी तलवार है तू काटे जो आए है निकट, घर को बेच के लाए है तेरे शो की टिकट। सन सन साए साए धाए धाए सर सपट, छोड़ भी देख तुझे उसकी भी नियत में कपट। सन सन साए साए धाए धाए सर सपट, गॉड भी देखे मुझे उसकी भी नियत में कपट। हाय रे करे जा, या तो दिल दे दे या जान ले जा। मगर अदालत बिना किसी गवाही कोई फैसला लेगी नहीं। क्या फायदा है तेरा, जब तू गरीब लाचार को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। देखिए पिताजी, अगर इंसाफ चाहिए तो कानून के दायरे से बाहर जाना पड़ेगा, तभी इंसाफ मिल पाएगा।
दुनिया भर में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसका चिंता है, और अपने घर में एक इंसान के साथ अन्याय हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तुम्हारे साथ किस बात का अन्याय हो रहा है छोटे नवाब? आज फिर पी के आए हो, चुपचाप खाना खाओ हा? नहीं तो पिटाई होगी। हाँ बहुत मार खा चुके हम, अब और मार नहीं खाएंगे। इंसान है, जानवर नहीं है। तकलीफ हमको भी होता है, दर्द होता है, मारते हैं दर्द होता है। अब हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम माँ को लेकर इस घर से चले आए। क्या बोल रहा है? मुझे लेकर अलग हो जाएगा? क्या नाम शनाब बकरा बेटा, चल खाना खा। अरे नहीं माँ, सब खबर ले गया हम। हमर और पिताजी हमको और आपको इस घर से बाहर करने के प्लान में, सब समझ चुके हैं हम इनका प्लानिंग। अब बस अपना हिस्सा लेंगे वहाँ, और हम और आप कहीं और जाएंगे और आपकी खूब सेवा करेंगे। सेवा? अरे बुद्धू, बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी सेवा करती आई हूँ, मेरी सेवा क्या करेगा? चल खाना खा ले, बहुत भूलने लगा है। एक बात बता भाई, अगर ये सारी जायदाद तुझे दे भी थी तो तू इसे संभालेगा कैसे पागल? अब निकला ना असली बात मन से, दिमाग नहीं है, पगला मंद बुद्धि। ये जो तुम्हारा वकालत वाला दिमाग है ना, उसको तुम अपने जेब में रखो, हम वो कोर्ट में पागल साबित कर देगा, फिर मेरा सारा हिस्सा पर हाथ साफ कर देगा। जितना पागल समझते हो ना, उतना पागल है नहीं हम, समझे? काहे का हिस्सा रे, पहले हिस्से को संभालने की अकल तो लिया। हमको मालूम था कि जब हम ये बात करेंगे आप ये बात बोलेंगे, इसलिए पूरा व्यवस्था के साथ हम आए आज। या तो ईमानदारी से हमको आप हमारा हिस्सा देंगे, नहीं तो पूरा फैसला होगा पंचायत में। हमारी जायदाद का फैसला पंचायत करेगा? छोड़िए, बैठ जाइए। कहाँ कहीं का प्रेम, मैं इसको अंदर लेके जाऊँ ना। तू जा यहाँ से। जा रहे हैं, खाइए आप लोग खाना खाइए, हमको तो रोज ऐसे ही खिलाया जाता है। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। प्रेम बेटा डरो मत, सब कुछ बोलो, पूरा गांव आज तुम्हारे साथ है, तू बोल ना, निश्चित होकर बोल। अगर अपना हिस्सा लेके अलग होना चाहता है तो पंचायत के सामने बोलो। ए साधु, सब समझ रहे हैं हम, ये सब जो रायता फैलाया है ना, तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। डर दिखा रहा है डर। डॉक्टर रमाकांत बाबू, आप अपना पंचायत में पक्ष रखिए। मेरे बेटे के प्रति जो नया प्यार दिख रहा है आप लोगों में, इससे भाव विभोर हो गया हूं। हाँ, जहां तक बात है हक और हिस्सेदारी की, तो कानून हमें भी ये हक देता है कि हम अपनी संपत्ति का अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से बंटवारा कर सकें। फिर भी आप सबकी खुशी के लिए सोच रहे हैं कि अपनी वसीयत आपको भी सुना दें। देना जी, सुना रहे हैं सरपंच साहब।
जब तक हम पति पत्नी जिंदा हैं, तब तक किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं। हम पति पत्नी के बाद ये संपत्ति हमारे दोनों बेटों को आधा आधा बांट दिया जाए। लेकिन हो सकता है धन के लालच में या किसी के बहकावे में आकर हमारा कोई भी बेटा अगर अपने भाई को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी सारी संपत्ति जन कल्याण आश्रम के नाम हो जाएगी। क्या? किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर रमाकांत बाबू को अपना वसीयत बनाने का पूरा अधिकार है तेरे की। और जो कुछ इन्होंने अपने वसीयत में बनाया है वो सही बनाया है। प्रेम को सलाह देती है कि वह दूसरों के बहकावे में ना आकर अपने परिवार का सुख शांति बरकरार रखें। यही पंचायत का फैसला है और इसी के साथ पंचायत खत्म होती है। नमस्कार। ममता! नो! लगा लो अपने कुलदीपक को कलेजे से। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इसको सिर्फ दो वक्त का खाना मिलेगा, और अगर इसे किसी ने एक रुपया भी दिया ना, या ये घर से बाहर गया, अगर एक भी शिकायत इसकी आई ना, तो हमको इस घर में नहीं पाओगे, या ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में ही नहीं पाओगे। अब ये फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें कौन ज्यादा प्यारा है, पति या बेटा। और अगर इसे किसी ने एक रुपया भी दिया ना, या ये घर से बाहर गया, अगर एक भी शिकायत इसकी आई ना, तो हमको इस घर में नहीं पाओगे, या ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में ही नहीं पाओगे। हाथों में मेहंदी लगाई हो क्या? कब से मैं बोल रही हूँ, ये देखो इधर भी है। कितना बोलना पड़ता है, रोज बोलूं क्या मैं? निकालो माँ। और ये देखो ये गमला, सुनो लक्ष्मी, ये गमले को भी हटा दो यहाँ से। हाँ ठीक है ना, मत रखो यहाँ पे सब। ये देखो ये कोने में कितना है, चलो निकालो। सुनो ना। क्या है? कुछ नहीं, सौ रुपए हमको दे दो ना, घर में मन नहीं लग रहा है, बाहर से कुछ खा के चले आएंगे हम। अच्छा खा के आओगे या जो ठेका है वहां से पी कर आओगे, हमें सब पता है। देखो बेटा, तुम हमारे बेटे हो इसलिए हम तुमसे प्यार करते हैं, इतना भी प्यार नहीं करते कि तुम्हारे लिए हम अपने पति को खो दे। जाओ कुछ नहीं मिलेगा, याद है ना उन्होंने क्या कहा था? क्या? हाँ याद है हमको, बस एक छोटा सा पी के चले आएंगे और कुछ नहीं करें, चुपचाप घर आ जाएंगे हम। चुपचाप घर आओगे या सारे मोहल्ले को उठाते हुए आओगे, हमें सब पता है। हाँ, बहुत बेइज्जती करवाया है तुमने अपने पिताजी का, अब और नहीं, बस अब एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। खड़े क्या हो, चुपचाप खाओ और जाकर सो जाओ, खाओ और सो जाओ, खाओ और सो, खाओ और सो, खाओ और सो। अरे कितना खाए और कितना सोए, इस घर में कोई हमसे बात नहीं करता, दम घुटता मेरा इस घर में। अरे मार क्यों नहीं देनी, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। वक्त पड़ा ना तो मार भी देंगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। नरक बनाकर रख दिया है इस घर को, पागल बना दिया है मुझे, और तुम हो ना लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे, फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा तुमको, बस। नहीं दोगे ना पैसा? नहीं दोगे ना? नहीं, नहीं दोगे ना? हम बताते कैसे नहीं दोगे हमको तुम। ए, चल, ए! चल भाग यहाँ से, चल, जा यहाँ से। नहीं दोगे ना हमको तुम? नहीं, नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो करना है करो, आग लगा दो इस घर को, फिर भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, बस नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। हमको पता है कैसे दोगी पैसा, हमको पता है कैसे दोगी पैसा, पैसा दो नहीं तो चाकू से दंड काट देंगे। माँ, पीछे, हट पीछे। हम खुद ही, मामा खुद ही दिया। चिंता मत करना, मैं
तेरी कैसी है माँ? क्या बता दूं? हुआ कैसे था? वो पापा, वो हम, वो पैर फिसल गया था माँ का, पैर ही फिसल गया था। बहुत कम फासला रह गया है उसकी जिंदगी और मौत में, फिर भी तुम्हारे मुंह से सही नहीं निकल रहा। तुमको क्या लगता है हमको मालूम नहीं पड़ेगा, पता नहीं लगेगा? नालायक यादव। यस सर। सर ब्लड देते रहना। ठीक है सर। कम पड़े तो ब्लड बैंक फोन कर लेना। जी से बात कर, बात करना है। जाओ जाओ जाओ, कर लो बात, जाओ। कंपाउंडर कह रहा था कि आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सब ठीक कर दे, हमारी माँ को भी ठीक कर दीजिए राम जी, हमारी माँ को भी ठीक कर दीजिए। कि उनको कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे, सब यही कहेंगे बेटा पागल था, तेरी माँ को ही मार दिया, और ये इल्जाम हम सह नहीं पाएंगे राम जी। ले जाओ तो हमारा जान ले लीजिए, वैसे भी हम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, मेरी माँ को मुझे लीजिए राम जी। कहाँ लेके जा रहे हमको? चलो, कहाँ लेके जा रहे हमको? चुप कर, नीचे इसको, चलो हमको, चलो, चलो हमको। प्रेम, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा। तुम्हारे पिताजी ने बताया कि तुमने अपनी माँ पर चाकू से हमला किया था? नहीं, माँ को तुम बहुत प्यार करते, उनके ऊपर हमला काहे करेंगे हम? लेकिन चाकू तो तुम्हारे हाथ में था ना? हाँ, चाकू मेरे हाथ में था, लेकिन उसको हम अपना गर्दन में लगा के रखे थे। काहे? 100 रुपया चाहिए था माँ से। 100 रुपए की खातिर तू अपनी गर्दन कटा लेगा? नहीं नहीं, हम अपना गर्दन नहीं काट रहे थे। वो कहे कि जब भी माँ से हमको पैसा लेना होता है तो हम ऐसा कुछ करते कि वो डर जाती और पैसा दे देती हमको। तुम्हें पता है ना, ये सब हरकत तो एक पागल ही करता है, और तुम कहते हो कि तुम पागल नहीं हो। हाँ, पागल नहीं हम, पागल नहीं है। वो कहे कि बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सिर में चोट लगा था, तो दिमाग का एक पेच जो है गिर गया था, बुद्धि वाला पेच गिर गया था, तब से दिमाग थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन पागल नहीं हम। ये सब तुमको कौन बताया? माँ बताई। एक बात बता, जब तुझे मालूम था कि तेरा एक पेच गिर गया है तो तू नया काहे नहीं लगवा लिया? अब नया कैसे लगवाते? अब जिस फैक्ट्री में वो पेच बनता था उसका मालिक मर गया और फैक्ट्री बंद हो गया। वो क्या है कि तो फिर पेच कैसे लगता? हर आदमी का बुद्धि वाला पेच का जो माप है वो अलग होता है, जैसे आपका अलग है, कंपाउंडर बाबू का अलग है, इनका अलग है। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो सब मालूम ही होगा। ए डॉक्टर बाबू, हम जा सकते हैं ना? देखो, अगर तुम एक अच्छे आदमी की तरह व्यवहार करोगे तो हम तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? हमको छोड़ दीजिएगा, माँ को चोट लगा है ना, हमारे कारण चोट लगा है, वो जब हमको देखेगी तब ही ठीक होगी, नहीं तो दवाई भी ऐसा निकल रही हमारी दवाई है उनकी। छोड़ दीजिए।
से लेके जाइए सेल में अभी क्विक। चलो। अरे मेटी कहाँ ले जा रहे हमको? अरे पापा पागल नहीं हम, है पागल नहीं हम, बाहर निकाल हमको, पागल नहीं हम। चलो छक्का मारेंगे, आओ छक्का मारेंगे, चलो छक्का मारेंगे, चलो भाई छक्का मारेंगे, चलो छक्का मारेंगे, चलो। अरे नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना हमको, नहीं खेलना हमको। चलो कैसे नहीं खेलोगे, चलो छक्का मारेंगे, छक्का मारेंगे, छक्का मारेंगे, जल्दी से तू छक्का मारेंगे। अरे कोई यहाँ से बाहर निकालो, नहीं खेलना हमको। अरे प्रेम कहाँ है? जहां उसको होना चाहिए था वहां पहुंचा दिया गया है। कहां भेज दिया है पापा? कहां होना चाहिए था उसको? एक आध लाश गिर जाए उससे पहले उसे मेंटल असाइलम में पहुंचा दिया गया है, और वो तब तक वहां से नहीं आएगा घर पर जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। ये क्या किया आपने? एक निर्दोष को पागल खाने भेज दिया, वो हमारे बगैर नहीं रह सकता। अरे ममता, मुझे प्रेम चाहिए। हाँ, हाँ, उसे ले आइए मेरे पास, प्रेम को मेरे पास लाइए। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे सो करो, ले आओ प्रेम को। पागल नहीं, पागल नहीं है, पागल नहीं, पागल नहीं। प्रेम, प्रेम, पागल नहीं है, प्रेम, पागल नहीं है। हाँ नहीं हो तुम पागल, उठो आ जाओ। पागल नहीं, पागल नहीं, पागल नहीं, पागल नहीं हो तुम पागल। कौन बोला पागल हो तुम? हाँ डॉक्टर, बस बस कुछ नहीं हो, बस रोना नहीं है, चुप चल, उठ उठ खड़े हो, चल शाबाश, अच्छा सर। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रेम को पुराना वाला दर्द फिर से उठ रहा है। अच्छा एक काम करो, उसको हल्का खाना देती रहो, शाम को आके उसका चेकअप कर देते हैं और मेडिसिन बदल देते हैं। ध्यान रखना उसका, अकेले नहीं छोड़ना। जी। हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। अरे तो हम कहीं जाओ, तुम लोग यहाँ से भागो, यहाँ से हम माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ तुम लोग यहाँ से, अरे जाओ तुम लोग यहाँ से। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ बेटा, किससे बातें कर रहे हो? माँ ये दो आदमी खड़े बोल रहे मेरा समय पूरा हो गया, हमको अपने साथ ले जाने के लिए आए। माँ आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। माँ भागो यहाँ से, भाग भाग। बेटा ऐसे कोई कैसे लेके जा सकता है तुम्हें? हम है ना, किसी की हिम्मत है तुम्हें हाथ लगाने की?
टांगे तोड़ देंगी उसकी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। देखो देखो हमने भगा दिया बेटा, कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा, हम है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा। बेटा अगर तुझे कुछ होगा ना तो तुम्हारी माँ भी उस दिन नहीं रहेगी, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा तुम बैठो, बैठो बेटा। प्रेम, गुरुजी आए हैं, हम अभी आते हैं। गुरुदेव हमारे बेटे को बचा लीजिए, कितनी बदतर जिंदगी जी रहा मेरा बेटा, जरा देखिए तो उसका उसका क्या हाल हो गया है। माई, कष्ट के दूर होने का समय आ गया है, विवाह करवा दो प्रेम का, कन्या के भाग्य से उसके सब दुख सब कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। प्रेम, जय बाबा गोरखनाथ। प्रणाम। कौन देगा प्रेम को लड़की, कैसे होगा उसका ब्याह, सारा गांव तो इसे पागल कहता है, हम कहां से ढूंढेंगे लड़की इसके लिए। काहे कौनो कमी है का हमारे प्रेम बाबू में, गोरा चिट्टा सुंदर तो है, हाँ थोड़ा सीधा है, आप एक बार कह के तो देखिए, लाइन लग जाएगा। मेरी बहन बता रही थी एक लड़की के बारे में, पढ़ी लिखी सुंदर और सुशील है, हाँ उसकी माँ सौतेली है, अब कुछ पैसा वैसा देंगे तो राजी हो जाएगी। चुप कलमुही, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, किसी को धोखे में नहीं रखेंगे, जो भी होगा सच सच बताकर शादी करना है। हाँ तो सच ही बताएंगे, आप बोलिए तो हम भेजे अपनी बहन को, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान। मत करो अमर। क्या हो गया? बहुत टेंशन हो रही है। पापा आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं, आज यहाँ आने से पहले पापा तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे, अब तो लोग भी हमारे तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं। अंजलि, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और प्यार के साथ साथ सम्मान भी। हम पहले ही फुर्सत में माँ को जाके सब बताना चाहते थे, लेकिन माहौल नहीं मिल पाया। वो क्या है कि आजकल हमारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोगों को किसी भी तरह की बातें या बहाने बनाने का मौका नहीं देंगे। उससे पहले ही तुम्हारे घर पर रिश्ता पहुंच जाएगा, बल्कि ये समझो कि रिश्ता तुम्हारे घर पहुंच गया। क्या हालचाल है ठकुराइन? अब क्या बताए बिमला, जब से ये मुई घर में आई है ना, हाल और चाल दोनों खराब है बस। तो समझिए आपका काम हो गया। क्या बात कर रही है, ये लो फोटो। अरे ये लड़का तो बड़ा सुंदर है। है ना सुंदर? हाँ, पिपरी गांव के डॉक्टर रमाकांत का बेटा है। क्या बात है, लड़का तो अच्छा लग रहा है ना भाग्यलक्ष्मी। जिंदगी में पहली बार तुमने एक अच्छा काम किया है ना। अब आ गई आपकी फुलवारी। आहा, आइए आइए मैडम, यूं चलती कूदती चली आ रही हैं। मामला क्या है? तो आपको खबर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है तो हम भी बता देते हैं। आज आपका होने वाला दामाद घर आएगा आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। ओह, तब तो जो दूसरा रिश्ता आया है उसे मना कर देते हैं। दूसरा मतलब? पास के पिपरी गांव से एक दूसरा रिश्ता आया बेटा, आज ही तय करने के लिए कह रहे थे। लड़का अच्छा है, लड़के का बाप डॉक्टर है, बड़ा नाम है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी है बेटा, तुम्हें साथ रहना है। अब तुमसे पूछे बिना मैं कोई तो बात ही नहीं कर सकता। पापा एक काम करते हैं, मेरा वाला ना कैंसल। क्या? हाँ पापा,
आज ये बेटी अपने बाप के लिए अपना प्यार कुर्बान करेगी। है, जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई हो जा तांत्रिक, इसे भूत लग गया, भूत ने पकड़ा है। अभी हवा लगी है, अभी बाहर से आई है ना, जल्दी करो। पापा मुझे कोई भूत कोई हवा नहीं लगा, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं, अभी अभी तुम जिस लड़के की तारीफ कर रही थी उससे तुमको शादी नहीं करनी है क्या? पापा नहीं बेटा, पहले तुम उसका फोटो तो कम से कम देख लो, फिर कैंसिल करना या फाइनल करना। नहीं देख रहा हमें फोटो, आपने देखा है ना तो अच्छा ही देखा होगा। थोड़ी ना इस चुड़ैल की तरह कोई भी लंगड़ा लूला उठा के ले आएंगे आप। अरे बेटा, ये फोटो भी तेरी माँ ने पसंद किया है। हाँ। माँ ने? हाँ, तेरी माँ ने। कमाल है। एक बात कहे पापा, बोली दो। अगर आज हमारी खुद की माँ भी जिंदा होती ना तो इतना अच्छा रिश्ता नहीं लाती। अब बेटा तुम्हें सचमुच पसंद है ना, हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं। हाँ, इस लड़की के बात को तो कोई समझ नहीं सकता, हम तो चले भैया। पापा देख, तेरी माँ भी नहीं है, सच सच बताना, ये फोटो उसी लड़की की है ना जिसे तूने पसंद किया? मैं समझ गया, तभी मैं कहूँ कि ये पुतली बाई पद्मावती कैसे बन गई। अरे जल्दी चलो ना, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े खड़े, आप भी तो कुछ कीजिए। मैं तुम्हारे पाप में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, करो जो कुछ भी करना है। आपको ना हर बात में नुक्स निकालने की आदत सी हो गई है, खुशी का मौका है और आप जली कटी सुना रहे हैं। तुम्हें मालूम ना तुम्हारा बेटा कैसा है? हाँ हाँ मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है और सारी दुनिया कैसी है। तो फिर जानबूझकर एक बेटी का, एक लड़की का जीवन बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? तुम्हें अपने बेटे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता? आप तो जानते हैं मुझे मेरे बेटे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। आपको याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा था? गुरुदेव ने कहा एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तुमने लड़की वालों को सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि नहीं? हाँ हाँ भाई, सब कुछ बता दिया है, छुप छुपा के मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सच्ची। ठीक है करो जो कुछ करना है। अरे वो माँ 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 जल्दी आ। अमर माँ, आज तेरा सर घूमने वाला है, मैं तुझे कुछ ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। रोक ना, चक्कर आ रहे मुझे। अब जब तू ये खुशखबरी सुनेगी तो तेरा और भी ज्यादा सर घूमने वाला है। मेरे पास एक खुशखबरी है तुझे बताने के लिए। पहले मेरी वाली? नहीं नहीं नहीं, पहले हमारी। हमारी खुशखबरी सुनोगे ना तो अपनी भूल जाओगे। सच्ची? हाँ। चलिए ठीक है, तो पहले आप अपनी सुनाइए। तुझे पता है हमारे प्रेम का ब्याह तय होने वाला है। हाँ? और लड़की इतनी सुंदर है और इतनी सुशील है, मैं बता नहीं सकती। हम उसकी तस्वीर दिखाते हैं, जरा रुक। हाँ। अरे कहाँ है वो मोबाइल? ये देखिए, देख इसे देखिएगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी और आंखें ना खुली की खुली रह जाएगी। देख बेटा, तू रो रहा है? नहीं नहीं माँ, वो प्रेम हमारा दूल्हा बनेगा तो बस ऐसी थोड़ा सा आंखें भर आई। अब बस ऐसी ही लड़की देखकर तेरा भी ब्याह कर देंगे। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, अपनी खुशखबरी बता। हमारा खुशखबरी वो आप सही कह रही थी, आपकी खुशखबरी सुनूंगा तो अपनी भूल जाऊंगा। देखिए हम भूल गए ना, याद आएगी तो बता देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, जब याद आएगी तो बता देना, अब चल जल्दी से तैयार हो जा, जाना है। नहीं माँ, हमको लेके मत जाओ, तुम तो जानते हो वो हमको जरूरी जरूरी काम है तो हमको जाना पड़ेगा। बेटा प्रेम से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, चुपचाप तैयार हो जाओ और चल मेरे साथ। ठीक है माँ, हम तैयार होके आते हैं, फिर दोनों साथ में चलते हैं। चल 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 जल्दी आओ। लक्ष्मी लड़के वाले आ गए। ए चलो ना सब लोग बाहर, देखो अमर बाबू आ गए। क्या? चल 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 चल। बैठिए दीदी, हमारे तो भाग्य खुल गए जो इतने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है। आपके घर में शादी होना इसका मतलब तो एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है ना? क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी गुणी है, हमें बस संस्कारी बहू चाहिए थी जो मिल गई। वैसे हम एक बात बताए दीदी, हम तो बहुत डर गए थे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया
तो लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ है, जरूर जानबूझ के कुछ गलत की होगी, है कि नहीं? लेकिन जीजा जी, आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी, अपने जैसा हैंडसम दूल्हा हमारे लिए भी ढूंढना पड़ेगा। तब हम जाके अंजलि को विदा करेंगे, है ना? क्यों जीजा जी, शर्त मंजूर है ना? हाँ। क्या बकरी हो तुम? एक मिनट, हाँ तू इधर आ, आजा। ये सब क्या है बेटा? क्या हुआ? नहीं बस ठीक है। ये क्या अनाप शनाप बकी जा रहा है? लीजिए कुछ। इसे क्यों जीजा जी कह रही हो? कौन है ये लड़का? कौन है क्या मतलब, यही तो है वो अमर बाबू जिससे हमारी अंजलि प्यार करती है। अमर बाबू? तो फिर ये लड़का कौन है? ये तो उनके छोटे भाई हैं, प्रेम। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मतलब अमर प्यार करता है उससे और अपने भाई का ही रिश्ता लेकर आया। कहानी में ट्विस्ट। चल नहीं, वरना केरोसिन डाल के जला दूंगी तुझे। अरे क्या हुआ भाई? ये हाँ जी लीजिए ना। हाँ ले रही है, ठीक है। तुम लोग जाओ ना अंजलि को लेकर आ। आ गई आराम से। जी आ गई। बैठो बेटा, ये है हमारी बेटी अंजलि। वैसे दीदी एक बात बताए, आपका बेटा और हमारी बेटी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। अगर सूरज हाथ में लेकर ढूंढने जाओ ना, तब भी ना मिलेगी ऐसी जोड़ी। भाग्य लक्ष्मी, लगता है आपको गलत फहमी हो गई है। ये रिश्ता मेरे बड़े बेटे अमर के लिए नहीं, मेरे छोटे बेटे प्रेम के लिए है। वो बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है और बहुत खूबसूरत भी है। आप देखेंगी ना तो चकरा जाएगी। अंजलि, अंजलि, लगता है शायद शादी की बात सुन के घबरा गई है। अगर आप परमिशन दे तो मैं बात करके देखता हूँ। हाँ बेटा, इसमें परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? वैसे शादी हो के आपके घर में ही तो जाने वाली है और मॉडर्न जमाना है। जाइए ना, बात क्या कह रही हो तुम? अंजलि, क्या सोचा तुमने? हाँ खिलौना है हम? जब तक चाह खेले मन भर गया तो अपने लाडला भाई के सामने पटक दिए। तुमको कौन हक दिया कि हमारी जिंदगी का फैसला तुम करो? हमको मालूम है कि तुम हमारे फैसले का मान रखोगी। अरे काहे मान रखे हम तुम्हारे फैसले का? काहे मान रखे? हम तुमसे प्यार किए हैं, कोई कर्जा नहीं खाए तुम्हारा। प्रेमिका है हम तुम्हारी, गुलाम नहीं। हमारे भाई के बहुत उपकार हैं हम पर। तुम्हारे भाई ने तुम पर उपकार किए तो तुम चुकाओ। हम ही तो चुका रहे हैं अंजलि। तुम हमसे दूर होगी तो हमको दुख नहीं होगा क्या? तुम्हें दुख नहीं होगा? अगर ऐसा होता ना तो तुम ये जो हरकत किए हो ये नहीं करते। हम अभी बाहर जा रहे हैं, सबको सब सच सच बता रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी अंजलि, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुमको हमारे प्यार की कसम। हमारा जीवन कोई कोरा कागज नहीं है अमर। जो अपने भाई के एहसान के तले दबा इंसान हमारी तकदीर लिखते हैं। प्यार का एक नाम बलिदान भी है ना अंजलि। आज तुमसे तुम्हारे उसी प्यार के बलिदान की भीख मांगते हैं। हमारी बात मान जाओ, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानेंगे। प्लीज उठो। हमें इतना बताओ, जिसे तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे भाई के नाम का सिंदूर अपनी मांग में डालकर तुम्हारे सामने रहेगी तो
तुम बर्दाश्त कर लोगे? भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। वाह अमर, वाह। जाइए जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम बलिदान की बातें कर रहे हो ना, हमारी भी एक शर्त है। अगर इस बलिदान के दौरान तुम्हारी आंखें नम हुई या तुम्हारी आंख में एक भी आंसू आया, तो सारे लोक लिहाज भूलकर भरे समाज में तुम्हें अपने गले लगा लेंगे, और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन बस बस अमर, बस जाओ, शादी की तैयारियां करो, हम करेंगे तुम्हारे भाई से शादी, जाओ। कितना बड़ा पाप होने जा रहा था हमसे, किस मिट्टी का बना है रे तू, हाँ? लेकिन बेटा, बस अब बस और नहीं। ये जीवन भी तो उसी का दिया उपहार है ना माँ, हम पर भाई के लिए प्यार तो क्या माँ, अगर हमें अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ा ना माँ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बेटे की जिंदगी में अंधेरा करके दूसरे बेटे की जिंदगी में हम रोशनी कैसे ला सकते हैं? जानबूझकर हमें पाप नहीं कर सकते बेटा, हमें पाप नहीं कर सकते। अरे, प्रेम का जीवन तो पहले इतने कष्टों से भरा हुआ है माँ, कोई ना समझ लड़की आ गई तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, तू समझ? लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना, तो हम अपने आप को... नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोल बेटा, ऐसे मत बोल बेटा। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, पीर जिया की कैसे छुपाऊं, तू तो जाने न मोरे जी की बतियां। तेरी राह में मैं खड़ा तो हूं, जो तेरे साथ ना चल सका, ना जुदा तुझे कर सका, ना कर सका, तेरी रूह से मैं जुड़ा तो हूँ, जो तेरे दिल से ना जुड़ सका, ना जुदा तुझे कर सका, ना कर सका। Thank you.
कैसी दिशा है कैसी सुबह, अंधेरा अंधेरा है बिछा, रोया नहीं मन कब से मेरा, थोड़ा सा रो लूं क्या बता, दिल चाहे जब मुस्कुराना सूझे न कोई बहाना, कैसे हंसू मैं बेवजह, तेरी आँख में ठहरा तो हूँ जो तेरे दिल में ना रह सका, ना जुदा तुझे कर सका ना कर सका, तेरी रूह से मैं जुड़ा तो हूँ जो तेरे दिल से ना जुड़ सका, ना जुदा तुझे कर सका ना कर सका। सुना है तू ब्याह कर रहा है? हम भी सुने। सुन, बचपन से लेके अब तक जितना खर्च किए हैं सब वापस चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन तुम्हारे भाई को ठोक देंगे। हमको मार दीजिए, मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। मेरे भाई को कुछ आप इतना कठोर मत बनिए, निर्दयी मत बनिए जीजा जी, प्लीज। ये बहुत अच्छा लड़का है, हम जो बोलेंगे वो करेगा, करेगा। हम सब करेंगे, करेगा। जो जो कहेंगे सब करेंगे, हम सब करेंगे। पूछो, पूछो करेगा। देख प्रेम, एक काम कर बेटा, तो शादी कर ले। कर ले शादी। हाँ कर लेंगे, लेकिन हाँ सुहागरात मत मनाना, और अपनी बीवी को पिछवाड़े में हमारे बगीचे में पहुंचा देना, हमारा आदमी उधर रहेगा। इस तरह जीजा जी कर्ज भी माफ कर देंगे, तेरे भाई को भी नहीं मारेंगे। ठीक है, भेज देंगे। कभी जो तारा कोई, मांगू तो मांगू भी मैं क्या। प्रेम छूटे कहीं जो, इधर देखो तुम, सांसें मेरी। तुम तो वही लड़की हो ना जो भाई के साथ मिला में। मेरे साथ भी करना और बीच में गम का डेरा। क्या पूछा मैंने, कैसे मिटेगा फासला। तेरी नींद में मैं बसा तो हूँ जो तेरा ख्वाब ना बन सका, ना जुदा तुझे कर सका ना कर सका, तेरी रूह से मैं जुड़ा तो हूँ जो तेरे दिल से ना जुड़ सका, ना जुदा तुझे कर सका ना कर सका। अरे नहीं नहीं ठीक है, बैठो बैठो बैठो, ठीक बैठो यहाँ बैठो। आप परेशान लग रहे हैं, कल हम मर जाएंगे। कम से कम आज के दिन तो ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। अब शुभ अशुभ हमको नहीं मालूम, कल साधु चरण हमको गोली मार देगा। अरे इतना आसान है क्या किसी को गोली मार देना? उसके लिए सब आसान है, 6 लाख रुपए कर्जा लिए उससे हम,
हाँ तो आप पापा जी से कह दीजिए, वो पैसे लौटा देंगे। पापा जी देते तो हम उससे काहे लेते, और ये बात अगर पापा जी को मालूम पड़ा तो साधु चढ़ के पहले वही हमको मार डालेंगे। किसी के हाथ से कुत्ते का मौत मरने से अच्छा है कि हम खुद ही अपना जान ले, खुद ही मर जाते। सलाम जान दे देते अपना। ये आप क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? घर में एक ढंग का रस्सी भी नहीं है कि अपना जान ले सके। सुनो सुनो, ये दुपट्टा से भी तो फांसी लगता है ना। ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए इसे, छोड़िए। फांसी लगा कर आज ही हमारी शादी, और कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? क्या ड्रामा लगाए आपने यहाँ पे? अच्छा, यहाँ हमारा जान के ऊपर बना हुआ तुमको ड्रामा लग रहा है? पागल कह रही हो हमको? कल जब सचमुच खत्म हो जाएंगे तब जाके कलेजा ठंडा होगा तुम्हारा। अरे मर जाएंगे, कोई हमें मार देगा, इसके अलावा भी तो कोई उपाय होगा कि नहीं? है ना उपाय, तुम हो उपाय, तुम चाहो तो हमको बचा सकती हो। बोलो ना, बचाओगे ना तुम हमको? वैसे भी तुम पत्नी हो हमारी, मेरे मेरे प्राण का रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, बचाओगे ना? हाँ, अगर अगर हमारे बस में हुआ तो हम अपनी जान पर भी खेलकर आपकी जान बचा लेंगे। जान नहीं चाहिए तुम्हारा हमको, जान का तुम्हारे अचार डालेंगे क्या? बस तुम एक बार उसके पास चली जाओ तो वो हमको छोड़ देगा। क्या क्या कहा आपने? हम उसके पास चले जाएं? हाँ। आज हमारी शादी का पहला रात है और हम अपने पति को छोड़कर गैर इंसान के पास चले जाएं, और ये सब करने के लिए हमें हमारा पति ही कह रहा है। वाह, तो हम ही तो कह रहे हैं, मान काहे नहीं लेती मेरी बात? वैसे भी यहाँ तुम्हारा आज काम क्या है? उसको तुमसे कुछ जरूरी बात करना होगा, इसलिए तुमको बुला रहा होगा। कम से कम हमारा जान तो बच जाएगा। बहुत ही नीच इंसान हो तुम। अभी कुछ ही देर पहले तुमने हमारे साथ में सात फेरे लिए, और हमारी इज्जत, हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए तुमने कसमें खाई, और अब जब अपनी जान पर आई तो वो सब भूल गए। किस तरह के इंसान हो तुम? सब समझ में आ रहा है हमको, सब समझ में आ रहा है हमको। तुम चाहती हो कि हम मर जाएं? हम मर जाएंगे तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर कर लेना हमारे साथ शादी। सब हमारे जान के दुश्मन, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, पैर पकड़ते हैं तुम्हारे, जान बचा लो हमारी। देखो, हम हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया है कि हमारी तकदीर और तुम्हारा दिमाग दोनों ही बहुत खराब है। प्यार तो साथ छोड़ के, लेकिन पति नहीं कहेंगे हम। साधु के पास जाना है ना? हाँ। जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी हमें एक वचन देना होगा। जो कहोगी सब मानेंगे, तुम जो कह दोगे सब मंजूर है, बस चली जाओ उसके पास। तुम्हारी शराब और जुए के बारे में और कुछ गंदी आदतों के बारे में हमें पता है, तुम्हें वो सब छोड़नी होंगी। छोड़ दिए? आज 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 से छोड़ दिए हम, अभी से छोड़ दिए हम। देखो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, दिखाते तुमको। फिर को कहाँ है, कहाँ? अच्छा, यहाँ पर है। क्या क्या कर रहे हैं आप? ये है ना बोतल, है ना, देखो तोड़ दी, बस चली जाओ उसके पास। ठीक है। बाहर आइए जनाब, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? काम बन गया जी, बस कांटा निकल गया। प्रेम, अरे आओ भाई, अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं नहीं, हम ठीक हैं। हम बोल रहे थे कि रात बहुत हो गई है, गाना वाना कल गा लेना, सो जाओ भी। अरे अब ब्याह हुआ है हमारा, आज की रात कोई सोता है? कांटा एकदम निकाल दे, तुम बस आ जाओ अंदर। कांटा निकाल दिए? कांटा निकाल दिए मतलब? हाँ,
अंजलि कहाँ है? गई होगी कहीं पर। वैसे भी इन सब लड़की लोग का कोई भरोसा नहीं। हम दोनों भाई का जान बच गया ना। तुम बस हमको इतना बताओ कि तुम्हारे लिए छुटका बना या बड़का, हमको ये बताओ। अबे छोटे बड़े के बच्चे, इधर आ। पागल हो गया क्या? किधर है, किधर है अंजलि? एक पराया लड़की के लिए तुम अब तक भाई का गिरेबान पकड़ रहे हैं? गिरेबान पकड़े अभी मारेंगे अभी तुमको। पराया लड़की है वो अंजलि, पराया लड़की है। अपना घर संसार छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ आई। रे मूर्ख, इस घर की इज्जत है वो। बता कहाँ है, कहाँ है बता। घर की इज्जत है या क्या है सब समझते हैं। उससे हमारा ब्याह हुआ है, अब हम उसको चाहे कहीं भी भेज सकते, कुछ भी कर सकते उसके साथ। ये जो तुम इतना उतावलापन दिखा रहे हो ना, तुम्हारा भी सारा मैटर समझते हैं। मैटर के बच्चे, बता कहाँ है? पता नहीं तो बहुत मारेंगे आज। बता कहाँ है? नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा? नहीं, नहीं बताएगा। नहीं बताएगा। अरे बता दे, क्यों मार खा रहा है तू? आदत हो गया क्या मार खाने का? कुछ नहीं करेंगे, बता कहाँ है? साधु चोट के पास भेज दिया। साधु चोट? क्यों, क्यों भेजे? वो बोला कि अंजलि को उसके पास भेज देंगे तो तुमको गोली नहीं मारेगा। हे भगवान, वो बोल दिया और तुम मान लिए? मान लिए तुम? अरे नलायक, हम तुमसे एक बात पूछते थे ना हमेशा, कि तुम पागल है या पागल बना रहे। आज हम तुमको बताते हैं, तुम ना सचमुच का पागल है। तुम ना सबसे बड़ा पागल है, तुम सबसे बड़ा पागल है। अमरम को पागल बोला मां, सही में पागल ही हो गए हम। लेकिन ये सब कुछ तो हम उसी के लिए किए हैं ना, कि उसका चार बच्चे। अब बताइए मां। हेलो पापा, सचमुच पागल है क्या हूं? हाँ तू सही में पागल है तू। लो आ गई। फूलमती, वो तुम्हारे थप्पड़ की गूंज अभी भी मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। क्या कहा था कि गाल पे नाम छप जाएगा ना? गाल पे नाम नहीं छपता, उंगलियों के निशान छपते हैं। नाम तो साला दिल पे छप गया है, दिल पे। और अब तुम्हारे जिस्म पे इतने छापे लगाएंगे, तब जाके इस थप्पड़ की गूंज खत्म होगी। कसम खाए थे कि शादी तुम्हारी चाहे जिससे हो साला, लेकिन नथ नथ हम उतारेंगे, हम। वेरी क्यूट। नारी को अपना मत समझ साधु चैन। हम कोई खिलौना नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कुमलांगी जरूर है, पर इतने भी नहीं कि तू जैसा दुराचारी अपनी मनमानी कर सके। तेरी हस्ती ना मिटाती तो कहना। ताए। या!
जी शकुनी, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। तू क्या सोचा हम तुम्हारा मदद कर रहे थे? हम तेरे को मदद नहीं कर रहे थे, हम तुमसे पाप करवा रहे थे ताकि तेरा पाप का घड़ा भर जाए। हम तो अपना मौत चुन लिए हैं, लेकिन उससे पहले अपनी बहन की हत्या का बदला जरूर लेंगे। अंजलि तुम जाओ यहां से, मरेगा कमीनी को तो हम देख लेंगे। अंजलि चिंता मत करो अमर, लेकिन तुम संभालो अपने आप को, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम भीम सिंह, जी पुलिस को ले। रुको अमर बाबू, कानून को अपने हाथ में मत लो अमर बाबू। इसके पाप की सजा कानून देगा बेटा। नहीं पिताजी, कानून के दांपत्य से फिर बाहर निकल आएगा। इसने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जब तक ये जिएगा हमको चैन से जीने नहीं देगा। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको मारकर तुम जेल चले जाओगे, हमारा बुढ़ापा दूभर हो जाएगा। पिस्तौल फेंक दो बेटा। मत रोइए माँ, कुछ नहीं हुआ है हमें। आपके घर की इज्जत बिल्कुल सलामत है, अमर ने हमें बचा लिया। एक भाई था जो आपको प्यार करता था, वो भी हमको मारा। वाह, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है ना? मतलब निर्लज्जता की तो तुम हद पार कर दिए हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हम उस साधु के सामने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। शर्म की बात करते हो तुम, आज तुम्हारे ही कारण हमारे भाई ने हमारे ऊपर हाथ उठाया। एक ऐसा भाई जिसने कभी हमको छुआ तक नहीं, तिरछा निगाह से हमको नहीं देखा। ऐसा कौन सा जादू किया है तूने मेरे भाई के ऊपर कि एक भाई ही मेरा दुश्मन हो गया? और तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, इसकी सजा जरूर तुम्हें मिलेगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारे अंदर से उस माता का भूत ही बाहर निकालते, ऐसे तुम नहीं मानोगी। तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पागल हो गए, तुमने एक भाई को मेरा दुश्मन बनाया है। वो अमर मेरा वो भाई था जिसने मेरे लिए सबसे लड़ाई की। बाप ने कभी हाथ उठाए तो बाप का हाथ पकड़ा, गांव वालों ने पागल बोला तो गांव वालों को तोड़ा उसने, और आज उस भाई ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे गाल पे थप्पड़ मारे अंजलि सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? जाओ। दो भाई के बीच में दीवार तू ही है, आज उस दीवार को हम गिरा देंगे, आज सब कुछ खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सब कुछ, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाबू देखो आपका प्रेम, आपको छोड़ के जा रहे पापा। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बहुत कष्ट दिया ना मैंने आपको। नहीं बेटा नहीं, अब आपको कोई शिकायत करने नहीं आएगा, शिकायत करने नहीं आएगा पापा। नहीं बेटा, एम्बुलेंस को बुला ना। अब आप देखो ना, शिकायत करने नहीं आएगा प्रेम। पता नहीं बोले ना, तुझे दूसरा जन्म देना थे, लेकिन एक बार उससे जाके कहेंगे जरूर कि एक जन्म हमको और दे पापा, आपकी बहुत सेवा करना चाहते हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। अंजलि हमको माफ कर दे, माफ कर देना, अच्छे बुरे की समझ नहीं थी ना आपको, तुम तो भाई की अमानत थी। भाई को सौंप के जा रहा हूं, भाई को सौंप के जा रहा हूं। बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मुक्ति दे दो माँ हमको, मुक्ति दे दो माँ, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। कुछ तो ममता, ये क्या किया तुमने? प्रेम बाबा, प्रेम प्रेम प्रेम। बेटा अगर तुझे कुछ होगा ना तो तुम्हारी माँ भी उस दिन नहीं रहेगी, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। देखो ना ममता, ममता 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 जन्म मृत्यु के भंवर से भले ही कोई मुक्त हो जाए, परंतु रिश्ते प्यार और संबंधों से मुक्ति नहीं मिलती। ओए रंग बिरंगे घाट यहाँ, और सबके बड़े ठाट यहाँ, अरे लाला और मौलवी सूट बूट के बाबू, अजब गजब है बनारस का जादू, और गंगा के हर घाट पे दिल अपना दे गया, और रसिया रस रंग रेस बनारस, हर पन मोला बड़ा तेज बनारस, आय हाय हाय रसिया रस रंग रेज बनारस, हाँ हाँ हाँ, अरे हर पन मोला बड़ा तेज बनारस। ओ हारन से सवारी हटती नहीं, जब तक तू नाली सटती नहीं, हारन से सवारी हटती नहीं, जब तक तू नाली सटती नहीं, हाँ टाइट बड़ा है बकाल यहाँ का, किसी की मत पर घटती नहीं, योगी भी यहाँ के जिंदाबाद, जोगी भी यहाँ के जिंदाबाद, भोरी भी यहाँ की जिंदाबाद, लोरी भी माँ की जिंदाबाद, अरे आया जो एक बार यहाँ बस यहीं का रह गया, ये रसिया रस रंग रेस बनारस, हाय 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 हर पन मोला बड़ा तेज बनारस, हाँ हाँ रसिया रस रंग रेस बनारस, अरे हर पन मोला बड़ा तेज बनारस, तेज बनारस, तेज बनारस, तेज बनारस, तेज बनारस,
फेमस हर मोहल्ला फेमस कचौड़ी गली रे देख चाल बनारसी सबकी जली रे तू अरे भैया फेमस हर मोहल्ला फेमस कचौड़ी गली रे देख चाल बनारसी सबकी जली रे सुर वहां लगा बनवा जबई के ताड़ते है भैया लहरा के बुलेट रंग बासी झाड़ते है भैया अरे बहुत सारी बिसर गई इशारा रह गया पहले हो भैया अरे रसिया रस रंग रेस बनारस अरे हर पन मोला बड़ा रेस बनारस कुछ में है कहली बार पाल तू ही पहली बम 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 लहरी शिव शंभू सदा दारी मनोहर